رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيديكم المفتون सूरह कलम की ये चंद आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत की शुरुआत में जो लफ्ज बयान फरमाया वो हुरूफ मुक़त्तआत में से है, जिनका माना अल्लाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलम की कसम खाते हुए फरमा रहा है, वल कलमी कलम की कसम, वमा यस्तुरून जो कुछ फरिश्ते लिखते हैं। कलम की तीन किस्में हैं, एक ये कि हम और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे लिखते हैं और कोई भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। दूसरा ये कि फरिश्ते जो लिखते हैं हम और आप के ऊपर किरामत कातिबीन की शक्ल में, जो भी नेक आमाल करते हैं, बुराइयों का काम करते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल अल्लाह के फरिश्ते किरामत कातिबीन की शक्ल में लिखते हैं। तीसरा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा फरमाने से पहले एक कलम को बनाया और उसको हुक्म दिया कि तमाम इंसान जो इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं सबकी किस्मत सबकी तकदीर को लिखो, और उस कलम ने वो तमाम चीज़ें लिखी। तो ये कलम की तीन किस्में हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तो अपने रब के फजल से दीवाना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि जब कुफ्फार और मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुठलाने लगे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी, लोगों को बताया कि ये सही है ये गलत है, तमाम माबूदान बातिला जो हैं वो झूठे हैं बातिल हैं, इनका कोई जो है अल्लाह की नज़र में कुछ भी तौफीक नहीं है, तो उन लोगों ने कहा कि तुम जो है पागल हो मजनू हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि आप बिल्कुल दीवाना नहीं है, आप अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आप अल्लाह की बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बेशक तेरे लिए बे इंतहा अजर है। किस चीज का अजर है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की बातें बतलाने लगे तो ये कुफारों मुशरिकीन के लिए एक नई बात थी कि ये क्या कह रहे हैं, हम लोग बुत की परस्तिश करते हैं, आग का जलाने वाला एक अलग बुत है, पानी का बरसाने वाला एक अलग माबूद है, हवा चलाने वाला एक अलग माबूद है, बहुत सारे माबूदान हैं, माबूदाने बातिला हैं, हर एक कबीले का अलग अलग बुत था। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए और ये बताया कि तमाम माबूद जो है वो झूठे हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुकरू, एक अल्लाह की परस्तिश करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सजदे करो, तो ये लोग परेशान हो गए और कहने लगे क्या बातें कर रहा है। फिर उन लोगों को लगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, और उन लोगों ने उनको लालच दी। पहले तो ये कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या चाहते हैं, अगर आप बादशाह चाहते हैं तो आज ही हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, अगर इसमें भी आप खुश नहीं हैं तो इस कबीले के अंदर अगर जिस कोई भी खूबसूरत औरत है तुम उससे शादी करना चाहते हो तो हम आपकी शादी उससे करा देते हैं। और यहां तक कहा गया कि अगर तुम मालो दौलत चाहते हो तो तुम्हारे पैर के नीचे जमीन के जो माल के अंबार लगा देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुमला लोगों से कहा कि अरे लोगों अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज ला करके रख दो और दूसरे हाथ पर तारे या चांद ला करके रख दो तब भी अल्लाह के पैगाम को पीछे नहीं छोड़ सकता हूं, मैं इस दुनिया के अंदर नबी बना करके भेजा गया हूं, मैं इस दुनिया के अंदर अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूं, लोगों को दावत देने के लिए आया हूं, तुम क्या भी कर लो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूं। तब वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने लगे, रास्ते से जा रहे हैं कोड़ा बिछा दिया जा रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आपके गले पर
ऊंट की ओझ ले जाकर के रख दी जा रही है, गाली दिया जा रहा है, घर से बेघर कर दिया गया, बहुत सारा सताने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तना आपके मानने वाले बहुत कम लोग थे, सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था। यहां तक इतना ज्यादा सताया गया मक्का के अंदर कुफार मुशरिकीन हर एक बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते थे, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आप कुछ भी कहते तो अपने उंगलियों को अपने कान के अंदर डाल लेते थे, कपड़ों को अपने चेहरे पर डाल लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा सताया गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। और मौका यह भी आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर अपने वतन से बाहर कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया गया कि आप मजबूर हो गए कि मक्का छोड़ करके हिजरत करके आप मदीना जाएं। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पर जो कलिमे थे हम और आपके रोंगटे खड़े हो जाते। मक्का से निकलते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मक्का, ऐ मेरे वतन, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा लगाव है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं पर अल्लाह की दावत को आम करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे घराने वाले, मेरे कुंबे वाले कुफार मुशरिकीन जो है मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे, मुझे सता रहे, मुझे मार रहे, मुझे पीट रहे, मैं मजबूर हूँ कि यहाँ से छोड़ करके मदीना जाऊं। हम और आप अंदाजा लगाएं कि कोई आदमी मजबूर होकर के अपना घर छोड़ करके ऐसी जगह पर जाए, ना तो वहां पर खाने का सामान हो, ना रहने का मकान हो, कोई भी चीज ना हो, कितना भी परेशान होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान, मक्का से कह रहे हैं मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर बड़ा हुआ हूँ, तमाम लोगों से मुझे मोहब्बत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे, मुझे सही से इबादत करने नहीं दे रहे, मैं यहाँ से मजबूर होकर के मदीना जा रहा हूँ। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वइन्ना लका लअजरन गैर ममदूद, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए बेइंतहा अजर है। कहां पर? दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजर दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि पूरी दुनिया के अंदर पूरे मक्का वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर लब्बैक कहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने लगे, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हर खित्ते के अंदर इस्लाम का बोलबाला हुआ। तो ये उसका जवाब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आपको आपके लिए अज्र जो है बहुत ज्यादा है, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये अज्र है। इसी तरीके से आगे फरमाया, वइन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आपका अखलाक बहुत ही उम्दा है। हम और आपको मालूम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने वाले से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते, जो उनसे मोहब्बत करते उनसे भी मोहब्बत करते, जो गाली देते उनसे भी मोहब्बत करते, सबसे लगाव था, उनका अखलाक था, और हम और आपका भी अखलाक होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि आप देख लेंगी, काफिरों से कहा जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख लेंगे और कुफार मुशरिकीन भी देख लेंगे कि कौन है जो गुमराही में है। आमालों हिसाब किताब होगा, दुनिया के आदमी जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जब एक एक अमल का बदला होगा तो सबको मालूम हो जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराही पर थे या कुफार मुशरिकीन गुमराही पर थे। वो तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, और दुनिया के अंदर भी जो है ये चीजें सामने हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले तमाम लोग हो गए, और जो कुफार मुशरिकीन थे वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे। ये तो तमाम चीजें हैं। सूरह कलम के अंदर ये चार पांच आयतें हैं जिसका तर्जुमा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और नबी के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वा अक्रु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।